22 मार्च से माता रानी के चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गए, जिसे लेकर भिलाई सुपेला की शीतला मंदिर में भी मनोकामना ज्योति कलश भक्तों द्वारा जलाए गए हैं। साथ ही मंदिर समिति द्वारा नवरात्र पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई है। एक वर्ष में माँ दुर्गा के दो नवरात्र प्रत्यक्ष रूप से मनाए जाते हैं, जिनमें एक क्वार नवरात्र के नाम से जाना जाता है और दूसरा चैत नवरात्र के। इस वर्ष चैत नवरात्र 22 मार्च से प्रारंभ हो गया है, जिसे लेकर भिलाई में भी सभी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जा रही है। इसी कड़ी में सुपेला के शीतला मंदिर में भी भक्तों द्वारा मनोकामना ज्योति कलश जलाई गई है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ इसकी देखरेख करने के लिए बैगा की निगरानी में मंत्र उच्चारण के साथ प्रज्वलित किया गया। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन माँ शीतला मंदिर शक्तिधाम सुपेला में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई और सभी ने मिलकर माँ शीतला की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की और माँ शीतला की भव्य आरती में शामिल होकर बारी बारी से माता रानी की आरती उतारी। मंदिर समितियों के सदस्यों ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों तक होने वाले आयोजन की जानकारी दी एवं पूरे भिलाई वासियों को इस चैत्र नवरात्र पर माँ शीतला मंदिर शक्तिधाम सुपेला में आने का आग्रह भी किया। वहीं मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी बताया कि चैत नवरात्र पर माता रानी की आराधना कर उनके समक्ष अपनी मनोकामनाएं रखी। 9 दिन पूरे उपासना माता जी के यहाँ पे होगी। 316 मनोज्योति यहाँ पे स्थापित की गई हैं लोगों के द्वारा, जिन्हें बैगा लोगों द्वारा और सभी के सहयोग से पूरे 9 दिन हम लोग भक्तिमय से उसे निर्वाह करेंगे और आखिरी दिन नवमी को एक विशाल निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, उसके बाद भंडारा करते हैं। शीघ्र हमारा ये तालाब बन जाए और जनता जो है यहाँ माँ जगदम्बा की कृपा से सब हमारे जो सेवक भाई हैं ये लोग सहयोग करते हैं और साथ में मुझे भी रखते हैं। और जब 9 दिन के 9वां दिन जब ज्योति निकलती है तो सभी बस्ती और अगल बगल के लोगों द्वारा सहयोग दिया जाता है और उन्हीं की कृपा है माता रानी की, जिससे हम 3 घंटा यहाँ भ्रमण करवाते हैं माताओं को। आज माँ जगदम्बा शीतला सुपेला शक्ति धाम में महामंत्र द्वारा ज्योति प्रज्वलित किया गया है उनकी मनोकामना। आज आप पहली दिन नवरात्रि में शामिल हुए हो शीतला मंदिर में, कैसे लगी, सब का मनोकामना मांगे हो आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगी और माता के कृपा सब पर बनाए रहे और जगत जननी दुर्गे मैया के कृपा सब ऊपर रहे। अच्छा, मेरी मनोकामना का यही नहीं का तो देन है जो मैं यहाँ बसी हूँ, माता का ही देन है और शीतला माँ में जो भी अपनी उम्मीद लेके आते हैं वो तो पूरा होता है। ये तो मैं छात छात बैठी हूँ, जो मैं यहाँ दर बदर ठोकर खाती थी इधर उधर किराया से, जो माँ मुझे बसाई है यहाँ पे अपने पास लाके, और माँ शीतला का सबको यहाँ पे आशीर्वाद है। और ज्योति प्रज्वल जब नवमी के दिन जब ज्योत निकलता है तो अगल बगल वार्ड वाले और सभी महिलाएं बहुत खुशी के साथ ज्योत उठा के चलते हैं यहाँ से और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। 9 दिन भी बैगा महाराज भी हैं, राधेकांत मिश्रा जी हैं, केशव चौबे जी हैं जो यहाँ संचालन कर रहे हैं मंदिर का, और अच्छा ही हो रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि माँ शीतला तो विसर्जन यहाँ तालाब में होती, लेकिन तालाब एक बार अच्छे से बन जाए, बस यही हम लोग का निवेदन है। हिंदू नववर्ष की सभी को प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई एवं चैत नवरात्रि की भी सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री शीतला मंदिर शक्तिधाम सुपेला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तजनों द्वारा, श्रद्धालुगणों द्वारा 316 ज्योत मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की गई है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, धन्यवाद। माता रानी के चैत नवरात्र में सार्वजनिक तौर पर मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना नहीं की जाती, वरन माता के मंदिरों में इन दिनों विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है, जिसे भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा निभाया जाता है और अपनी मनोकामनाएं माता रानी से मांगकर 9 दिनों तक उनकी सेवा की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।